ये बंदा ना आज लिटरली पछताने वाला है कि इसने मेरे से पंगा क्यों लिया, तेरे बस की नहीं है जीतना। तो कि गाइस अभी मैंने इससे सारी की सारी बातचीत कर ली है एंड तुम लोग को यकीन नहीं होगा इस बंदे ने मेरे को क्या बताया है मैन। ओ माय गॉड ब्रो, इसने ऊपर लावा घेरा है मेरे पे ब्लॉक्स मेरे पे, मैं उधर एक सेकंड मैन, इसने मुझे ट्रैप में फंसाया है। अच्छा बेटे, हिमलैंड्स में अभी तक बहुत बड़े बड़े लफड़े हो चुके हैं। जब हम लोग हुगा लाला और एंटिटी को ट्रैप कर रहे थे उसी वक्त हुगा लाला ने स्मार्टी भाई को मार दिया। उसके बाद मैं निकला स्मार्टी भाई को ढूंढने की तलाश में एंड तभी मेरे को कमांडर ने बताया कि जो हमें गिफ्ट में दिया गया था ये किंगडम, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लफड़े हो चुके हैं। इवन यहाँ के सबसे पावरफुल दो बंदे जो इस किंगडम के सबसे ज्यादा पावरफुल दो बंदे थे वो आपस में लड़ रहे थे इस किंगडम का किंग बनने के लिए। तभी ड्रीम बॉय बीच में आता है, उन दोनों को जान से मारता है और यहाँ की सारी प्रजा मुझे एज अ किंग एक्सेप्ट करती है। और अभी ये पूरा किंगडम को मुझे रेगुलेट करना है, इसके पूरे खजाने को अच्छी जगह यूज करना है एंड सबसे मेन बात इस किंगडम की डेवलपमेंट करनी है। पर इसी बीच में तुम्हें पता होगा अभी एसजीओ भाई ने क्या किया। एसजीओ भाई मेरे पास आते हैं कहीं से, मेरे को नहीं पता वो लोग कहां चले गए थे। अगर मेरे को पता होता तो डेफिनेटली मैं उन्हें किंगडम में लाता अपने साथ, बट वो मेरे साथ नहीं थे, वो कहीं अलग ही चले गए थे स्मार्टी भाई को ढूंढने। तो वो इस किंगडम में आते हैं, पता नहीं कैसे अंदर आते हैं विजर्ड वगैरह की मदद लेके, और पता है आके मेरे से क्या कहते हैं कि अरे तेरे को तो हम बताएंगे तू बनता है ना किंग, तेरे को तो हम बताएंगे तू कैसे बन रहा है किंग। मतलब वो यहाँ पे आते हैं ऐसा लड़ने के लिए मेरे से। भाई मैं उन्हें दोस्त समझता था, मेरे से आके बोले वो कि नीचे आके बात कर हमसे। गाइस मैं नीचे कैसे जाऊं, किंग की एक रिस्पेक्ट होती है, सोचो मैंने इन लोग के आगे अपनी छोड़ बनाई है। मैं नीचे नहीं जा सकता था उस वक्त क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिटीजन थे। तो एक इतनी छोटी सी बात, मतलब मैं उनका दोस्त हूँ वो मेरे दोस्त है, और इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ का किंग नहीं हो सकता। व्हाट भाई, मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, हम साथ में किंगडम रहेंगे, आपको एज अ गेस्ट भी रखूंगा मैं, आपको बहुत बढ़िया एक जॉब मिलेगी। वो बोलते हैं कि मेरे को सुरेश के साथ काम नहीं करना। जिसको नहीं पता सुरेश एक विलेजर है, सारे विलेजर सुरेश हैं एंड जो आयरन गोलम है वो गुल्लू है, तो उन्हें सुरेश के साथ काम नहीं करना। तो भाई मैंने कहा कि आपको उसके भी हेड के हेड के हेड बनाएंगे, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब मिलेगी और आपको सैलरी मिलेगी बहुत ही ज्यादा मोटे वाली। पर नहीं, उन्हें ये भी नहीं चाहिए, उन्हें सैलरी भी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद वो मेरे से कहते हैं कि तू रुक, तेरे को तो हम बनाएंगे किंग। अब भाई मैं इसका मतलब क्या समझूं, एक वो किंगडम में आए और आके सीधा मेरे से लड़ रहे हैं। ब्रो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो एसजीओ भाई कह रहे हैं ना कि मेरे को किंग बनने का लालच आ गया है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि लालच उन्हें था, तभी वो आके मेरे से। मेरी सारी की सारी बात वैलिड पॉइंट थी, बट मेरे से उन्होंने कोई बात नहीं करी, सीधा मेरे से लड़ना चालू हो गए। बट अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अच्छा एसजीओ भाई को कहा कि यार तुम आओ साथ रहेंगे ये वो नहीं माने। ओके मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तो और एक खास बात, वो मेरे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि तुम स्मार्टी भाई को भूल गए हो। अरे भाई मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ स्मार्टी भाई को, स्मार्टी भाई के साथ मैं ही तो था हिमलैंड्स में मेन। हिमलैंड्स में हम दोनों ने तो मिलकर होगा लाला का सामना किया है, एसजीओ भाई को तो हिमलैंड्स के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, वो डार्क हिमलैंड में थे पूरे टाइम। और मैं लेजिट स्मार्टी भाई को बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, स्मार्टी भाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। बस स्मार्टी भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे बीच में एक लफड़ा मिला तो मैंने उसे सुलटाया और यहाँ का मैं किंग डिक्लेयर हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई, ये बताओ जरा इसमें मेरी गलती क्या है। लेकिन नहीं, एसजीओ भाई और फलाना जी को तो लगता है कि मेरे को लालच आ गया यहाँ पे किंग बनने का। वाओ, मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगा था मेरे को ये सुन के अपने दोस्तों से ही। पर अभी मेन बात, तुम लोग को मैंने अपने पिछली बार दिखाया था कि हमारे किंगडम में कितना मोटा खजाना है, बट तुम लोग को अभी पता नहीं है कि हमारे बैंक में भी बहुत ही ज्यादा मोटा खजाना है एंड वो मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो मैं अभी बैंक जाने वाला हूँ। देखो गाइस, इधर ही मेरी उनसे फाइट हुई थी, उन दो दरिंदों से जिन्हें मैंने गेर गेर मारा था, इतना पेला कि वो चटक गए एंड देन किंग डिक्लेयर हो गया यहाँ का ड्रीम बॉय। और मेरे को बताया गया कि वो जो खजाना है ना वो ऊपर वहां टॉप में है, देखो वहां गोल्ड दिख रहा होगा ना, तो मेरे को वहां पे जाना है कुछ भी करके। तो पहले देख लेते हैं जरा कि ये बैंक अंदर से यहाँ पे कोई रास्ता जा रहा होगा ना। नहीं, ये बैंक का ऐसे थोड़ी रास्ता दे देंगे। एक सेकंड, यहाँ पे एक लैडर जा रही है ना। वेट, यहाँ से इधर से किधर जाएंगे भाई। ओ हेलो, किधर? कमाल करते हो यार, एक किंग को तुम रास्ता नहीं बताते हो कहाँ से जाना है। आई थिंक ये पार्कोर वगैरह तो नहीं करना मेरे को, देखो सामने। कोई नहीं भाई, ये भी कर लेंगे, इसमें मुश्किल क्या है, आसानी से कर देगा ड्रीम बॉय ये सब। ओके हम लोग आ चुके हैं एंड मेरे को सामने उस पे जाना है एंड देन यहाँ पे। अरे भाई बताओ, यहाँ मैं पर्ल मार के भी तो आ सकता था, यहीं पे तो बैठ के एसजीओ भाई से बात कर रहा था मैं। अरे कमाल ही कर दिया ड्रीम बॉय। बट यहाँ से खजाने के लिए कोई रास्ता जाता है क्या? वेट, मेरे को देखना पड़ेगा। एक सेकंड। यस ओके, पूरा खजाना, बट उधर मैं जाऊं कैसे ब्रो? एक सेकंड, कुछ है क्या यहाँ पे सीन? पानी है। ओके, ऊपर आ गया हूँ मैं। वेरी गुड, इधर से चल रहे ड्रीम बॉय। क्या रोक रहा है मेरे को? वाओ, यहाँ से। ओके ब्रो, हम लोग आ चुके हैं, पूरी तरफ खजाना ही खजाना है। इसके अंदर एमरल्ड्स। ओके, इतने सारे एमरल्ड मैन।
दिस इज गुड गुड। इतने सारे गोल्ड के ब्लॉक्स हैं, नीचे क्या खजाना है? ओ, ये खुला हुआ है, ये खुला क्यों है बे? इसके अंदर गोल्ड है, इसके अंदर एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, गोल्ड। ओ माय गॉड ब्रो, यहाँ पे हम लोग अमीर बन चुके हैं ब्रो। हम पे इतना खजाना है, इतना खजाना है कि जिंदगी भर अब कमी नहीं पड़ेगी मुझे। लेजिट बता रहा हूँ, जिंदगी भर कमी नहीं पड़ेगी। बट देखो, मेरे को बिल्कुल भी नहीं भूलना कि ये खजाना मेरा नहीं है, ये पूरे के पूरे इन विलेजर्स का है, ये जितने भी सिटीजन है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा खजाना मैं इनके डेवलपमेंट के लिए। व्हाट, एक सेकंड, मैंने क्या सही देखा? वहां लैडर्स लगी है? जब यहाँ पे एक लोता रास्ता है जाने के लिए, तो वहां लैडर्स कैसे लगी हो सकती है? वेट, और ये बहुत ही मतलब कि अलग वे में लगा। अरे भाई एक सेकंड, नो वेज, जो मैं सोच रहा हूँ ये सच ना हो, ये कोई चोरी हो रही है क्या हमारे इधर? ब्रो एक सेकंड, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, जल्दी चल। ओ माई गॉड ब्रो, यहाँ पे तो देख रहे हो तुम लोग, मैन इधर तो एक अंधी चोरी करी जा रही है हमारे इधर। ब्रो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक सेकंड, ये ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ से रास्ता जोड़ रहा है, एक बार देखूं जरा मैं। ओ माई गॉड, ये लफड़ा है, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। मतलब यहाँ का हमारा सारा माल इधर से कोई भी इजीली चुरा के जा सकता है। नहीं 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 ब्रो, हाउ दिस इज पॉसिबल? और ये किसी ने कभी नोटिस भी नहीं करा? तो ये जाता किधर की साइड है, मेरे को तो ये देखना है भाई। और अगर ये लेजिट सच बात है ना कि यहाँ पे खजाना चोरी हो रहा है, तो ब्रो लग गए, फिर तो सीन हो गया मोटे वाला ही। किसी ने यहाँ पे बना रखा है और किंग को खबर तक नहीं है। मतलब तुम लोग सोच रहे हो ब्रो, किंग को खबर तक नहीं है किसी ने यहाँ पे ये बना रखा है? मैन दिस इज नॉट पॉसिबल यार, तुम लोग खुद सोचो। अरे व्हाट इज दिस? ये मतलब इस आयरन गोलम को पता था क्या कि यहाँ पे ये कुछ है, और इसने मेरे को नीचे लाके छोड़ दिया? आर यू श्योर ब्रो? बट यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल देखो वो सीधा जा रहा है, एंड एक इधर की साइड जा रहा है। मेरे को सबसे पहले ना ये वाला रास्ता जाके देखना पड़ेगा, बाद में वो वाला रास्ता देख लेंगे, पहले ये वाला रास्ता मैं देखता हूँ ये जा किधर की साइड रहे। ब्रो ये किसने बना रखा है अंडरग्राउंड इतना बड़ा? मैन दिस इज नॉट रियल। ये मेरे को ना पता नहीं क्यों एक फील दे रहा है कि यहाँ पे चोरी हो रही है, पता नहीं क्यों मेरे को ये फील दे रहा है। ओके, सामने देख रहे हो तुम लोग डायमंड एंड गोल्ड। मैन दिस इज नॉट रियल, कह दो कि ये सच नहीं है। नहीं ब्रो नहीं, यहाँ से हमारा माल ले जाया जा रहा है। अरे यार, एक तो मेरे पिकेक्स नहीं है यार, मैं अपनी पिकेक्स रख के आ चुका हूँ, मैं फटाफट से यहाँ पे एक पिकेक्स बना लेता हूँ। बट पिकेक्स बनाने के लिए मेरे पास भाई वुड नहीं है, मैं वुड किधर से लाऊं? बताओ गाइस, यहाँ पे आके किंग को एक वुड तोड़नी पड़ रही है। पहले तो जल्दी बना लेते हैं यहाँ पे इंगट्स, देन मेरी पिकेक्स, जल्दी आ जा। गुड ओके, अभी मैं देखने वाला हूँ ना ब्रो। ब्रो दिस इज नॉट रियल, तुम यहाँ पे देख रहे हो ये पूरे के पूरे मेरे किंगडम का खजाना है, ये वही वाला खजाना है। मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ ब्रो, अगर ये सच बात है ना तो लफड़े हैं। मेरा खजाना नहीं, मैन यहाँ पे सारा का सारा खजाना गायब है। एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारा खजाना था, मेरे को नहीं पता वो कहाँ गया, इधर वाला भी नहीं है। ये चेस्ट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं ये खाली पड़ी है भाई, नहीं ये भरी हुई थी यार पिछली बार जब मैं आया था। वेट, इसमें तो चलो मेरे एप्पल्स हैं। गुड गुड गुड, इसके अंदर है माल, बट यहाँ पे ब्लॉक्स गायब हो गए हैं मेरे। इसमें भी है माल। ओके, मेरे चेस्ट अभी जितना माल है ना बचा हुआ, ये मेरे को संभाल के रखना है ब्रो। पर मैं जरा पता लगाऊंगा कि ये बंदे यार, अरे भाई यहाँ से कैसे चोरी हो सकता है यार, बाहर से ही रास्ता है अंदर आने का। और यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, मतलब उस लोंडे ने जो जिसने भी ये काम करा है ना, उसने सीधा यहीं से खोदा है, उसे पता था पहले से कि ये वाला जो रास्ता है ये मेरे खजाने तक जुड़ेगा तभी। और उसको ही बताया किसने, उसे पता कैसे है ये चीज? ब्रो जितना सोचोगे उतनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बट अभी मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे चुपचाप से ना जाके ढूंढना है कि भाई ये काम किस बंदे का है। और एक बार वो बंदा मेरे हाथ में लग जाए ना, फिर मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे माइन कार्ट ही बना देता हूँ, और इस माइन कार्ट से सीधा चलते हैं जहां तक वो माइन कार्ट मुझे लेके जाएगी। ये हमारे पास माइन कार्ट, फटाफट से माइन कार्ट इधर मेरे पास। गुड, क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं, अभी फटाफट से माइन कार्ट को रखते हैं, बैठते हैं, सीधा निकलते हैं, क्योंकि पावर्ड रेल कनेक्टेड है ना, तो इसमें मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है अभी ब्रो। बस चुपचाप से चलते हैं अभी सामने, और मेरे को देखना है ब्रो उधर जाके कि ये कितना बड़ा लफड़ा है। ये सच में यहाँ पे चोरी हो रही है ना, तो ब्रो ये बहुत बड़ा लफड़ा है। तुम लोग सोचो, एक किंग के घर में चोरी, एक किंग के घर में चोरी हो सकती है तो पूरा किंगडम क्या सेफ रहेगा? अगर एक किंग अपने किंगडम को ठीक से सेफ नहीं रख सकता तो मेरे को लेजिट नहीं पता था यहाँ पे इतना बड़ा लफड़ा हो रहा होगा। वो तो मेरी नजर में आ गया, ये मैं छोड़ूंगा नहीं ब्रो। जब भी मेरे को पता लगेगा कि जो भी बंदे ने करा ना काम, गया वो बंदा, मौत के घाट उतारूंगा उसको तो मैं। ओके, ओ माय गॉड, तुम लोग ने देखा? वेट, तुम लोग ने देखा? माइन कार्ट को पहले तो अपने पास रखते हैं ब्रो। यहाँ पे कितनी सारी माइन कार्ट्स पड़ी हैं, लेकिन ये जगह जोड़ कहाँ से रही है जरा ये भी तो देखूं मैं। आर यू श्योर बड़ी, आर यू श्योर ये वही एरिया है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे यार, एक तो मेरी हंगर बार यार, जल्दी खा, कितनी भूख लगती है मेरे प्लेयर को। ये पूरा का पूरा तो गाइस वो वाला एरिया है जहाँ से हम ट्रेड करते हैं, मतलब यहाँ से ये हमारा पोर्ट है, यहाँ से बाहर वाले किंगडम में बाहर वाले जितने भी विलेजेस है वहाँ से हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। देखो यहाँ पे शिप भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ओ
माई गॉड ब्रो, पता है जिसने भी चोरी करी है वो क्या करता होगा? वो वहां से माल चोरी करता होगा एंड पोर्ट के थ्रू चला जाता होगा माल लेके। आई एम प्रीटी डैम श्योर ब्रो वो यही काम करता होगा। उस बंदे को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। वो पूरे का पूरा जो अजीब सा ट्रैक बना रखा है ब्रो। मेरी टॉर्च जल्दी हाथ में लूं मैं आराम से। इधर कोई भी हो सकता है मैन, दिस इज नॉट। एक सेकेंड, यहाँ पे एक ट्रैप डोर है और इसके अंदर एक लीवर है। ओके ओके, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? एक सेकंड, लीवर को मैं एक बार फ्लिक करता हूँ। मेरे को आवाज आई, मेरे को पिस्टन्स की आवाज आई। तो कोई ब्लॉक हिला है क्या आसपास? मेरे को आसपास आवाज आई है। नहीं, यहाँ तो कोई भी ब्लॉक नहीं हिला। एक सेकंड यार, ये कोई मेरे को पागल तो नहीं बना रहा है? कंफ्यूजन है इधर। फिर आई आवाज, बट यहाँ कोई ब्लॉक नहीं हिल रहा है ब्रो। मेरे को जरा ध्यान से सुनने दो, ये हिल किधर की साइड रहा है? ओके, मेन आवाज इधर कहीं की साइड से आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे फटाफट से ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। कोई ना कोई तो आसपास ब्लॉक होगा ना। ये देखो, इधर की साइड नहीं खुला कुछ, इधर की साइड नहीं खुला कुछ। खुला भी है पहले तो ये बताओ। ये लो, ओके। इधर की साइड कुछ है? अरे भाई कुछ भी तो नहीं है, क्या पागल बना रहे हो क्या? क्या इधर है? इधर है सामने चेस्ट है। एक सेकंड, आराम से। इधर कोई ना कोई हो सकता है, मैं अपनी चीजें तैयार रखता हूँ। ओके गुड, जरा देख लेते हैं सामने कोई है तो नहीं। मैन इधर इतने सारे चेस्टीज हैं। एक सेकंड, वहां कोई है? अरे ब्रो ये वो लोंडा, आई एम श्योर इसी बंदे ने हमारे यहाँ पे चोरी करी है। यहाँ देख रहे हो भाई, सोने के घर में रह रहे क्या ये? एक सेकंड, अरे ये तो अपने सपने सच कर रहा है। सोने का घर लोग बनवाते हैं, हमारा माल चुरा के सोने के घर में बैठा है। ब्रो इस वाले चेस्ट की तो आवाज से शायद जाएगी नहीं ना, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ उसे खोल के। अरे ब्रो इसके अंदर सारा हमारे उस किंगडम का माल है। वेट, ये सारे के सारे चेस्ट आई थिंक भरे हुए हैं। इस वाले की आवाज जा सकती है इसे, बट मैं एक बार खोल के देखता हूँ। ओह नो मैन, इसके अंदर हमारा ही माल है। ब्रो इस वाले में देखता हूँ एक बार मैं। अरे नहीं ब्रो, इसके अंदर सारा हमारा ही माल है किंगडम का। मैं, ओह माय गॉड, ये बंदा रेडी है लड़ने के लिए। आजा, इसने सुन लिया। आजा बेटे, तू हमारा माल कैसे चुरा सकता है? जानता नहीं है किसका किसका माल उठा रहा है तू। आजा चोर बेटा, चोरी करेगा। ले बेटे आजा, तू क्या लड़ेगा रे ड्रीम बॉय से, किंग से लड़ेगा। इधर आजा, गया खत्म। अरे नहीं, ये बंदा कैसे निकल के भागा बाहर, इसने मुझे फंसाया इधर। आजा, किधर की साइड गया ये लोंडा, किधर भागा है? नहीं मत कहो मैंने उसे खो दिया। नहीं, वो रहा सामने, वो रहा। अरे भाई ये लेजिट इसी पोर्ट से भागता है, देख रहे हो? यहाँ के सारे रास्ते पता है A to Z। रुक, तेरे को तो एक्स के चटके देता हूँ मैं। ये ले गया। भाग रहा है। जल्दी चल ड्रीम बॉय। अच्छा बेटे हीरो बनेगा। आजा तुझे जीरो बनाता हूँ। क्या डैमेज था ब्रो। मेरी फेवरेट तो एक्स रहेगी हमेशा से। यार क्या कर रहा है ड्रीम बॉय, जल्दी भाग। वो बंदा किधर गया? मत कहो कि मैंने उसे खो दिया दोबारा। अरे नहीं ब्रो, उसको खो दिया। वो रहा सामने। आजा, कहां बच के जाएगा बेटे? किधर जाएगा? मैन मेरे पास ना तीन हटो, ये खड़ा जाएगा, मरेगा। चोर चुपचाप से बता दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। चुपचाप से बता दे कि हमारा माल तू क्यों चुरा रहा है। खाना खाएगा? यार मेरी हंगर नहीं। ओ माय गॉड। हां किधर भागेगा बेटे? ड्रीम बॉय तेरे को ऐसे छोड़ देगा क्या? हैं, आजा चोर। गया, बस मरने को है। ये ले फटके ले। यस, ये मरेगा। उन लोंडो की तरह ना तुझे भी मारूंगा जिनको मार के मैं यहाँ का किंग बनाऊं। ओके लेट्स गो। अंडर वाटर फाइट करेगा क्या है बेटे? तेरे बस की नहीं है अंडर वाटर फाइट करना ड्रीम बॉय से। ओह हीरो बनाऊं। यस, ये बंदा गया, ये बंदा बहुत। ओके ठीक है ना? हाँ, ऐसे मर जाएंगे क्या हम? हाँ ऐसे ही बैठे हैं क्या इधर? ऐसे ही बैठे हैं क्या? ये ले ब्रो, दिस इज नाइस। ये देखो जरा इसकी पार्कोर स्किल्स देखो। हाँ भागले। कहाँ भागेगा है बेटे? किधर किधर जाएगा भाग के बेटे? अच्छा पोल मारेगा। ये ले, इट्स टाइम टू गो। अरे भाई ओ माय गॉड, मैंने जस्ट इसे अभी छोड़ दिया था। नल्ले, ये बंदा ना पक्का दूर जाके रीजेन करके आ रहा है। इजी, इट्स फाइट टाइम बेबी। आज एक किंग का सामना एक चोर से। यस, इजी। किधर जाएगा रे? अरे पानी छोड़ता है। इजी, ये बंदा मेरे को ना हाथ तक नहीं लगा सकता अब। देख रहे हो, इसने पर्ल, ओ माय गॉड, इसने पर्ल मारी। ये किधर की साइड गया?
नहीं 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 भाई, उसको छोड़ नहीं सकता हूँ मैं इस वक्त। अरे कैसे गायब हो गया यार ये ब्रो, ये लोंडा किधर की साइड निकल गया है, मेरे को जरा सा भी नहीं दिख रहा यार दूर दूर तक। मैन दिस इज नॉट, ओ माय गॉड, ये बंदा किधर जाएगा? इस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि ये हाइट में ओपनली छुप के बैठा है, ओपनली छुपा हुआ है ये। वाओ, अभी मैं चुपचाप से जाने वाला हूँ, ये बंदा जरा सी भी आवाज ना सुने मेरी, बस चुपचाप निकल ड्रीम बॉय, और इसको वहीं पे जाके ऐसा लटकाऊंगा ना, इसके टांगे हाथ में ले लूंगा। देखो वो रहा, इसके बस की कुछ नहीं है, मैं लेजिट बता रहा हूँ। देखो देखो जरा इसे, ये बेवकूफ इंसान है ये। चल 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 इधर, इवन ये इंसान भी नहीं है, पीछे से जाऊंगा इसे चटकाने। गुड, ये बंदा कैसे छुपा हुआ है ब्रो इधर। अच्छा ओके ओके ओके, लेट्स गो। आजा चोर, तेरे बस की है क्या? ये कहाँ कहाँ भाग के जाएगा, किधर जाएगा बेटे, किधर? तू कहीं भी छुप, ड्रीम बॉय तेरे को हर जगह से ढूंढेगा। आजा, क्या पटाखे पड़ रहे हैं इसे, लेजिट इसको इसका आर्मर बचा रहा है, और ये जो बार बार अपनी हेल्थ रीजन कर रहा है ना उससे बच रहा है। ये पकड़ सीधा, ओके यार मैं ना उसको लेजिट बता रहा हूँ, ऐसे जो मैं दे रहा हूँ ना नॉक बैक उसे, तो उसे एक पुश मिल रहा है, तो एडवांटेज आ जाएगी उस पे तेज भागने की मेरे से। अरे कहाँ ले आया पहाड़ों में मेरे को ये? निकल बेटे, ये बंदा मेरे को मेरे किंगडम से इतनी दूर ला चुका है ना। अबे यार मेरे को मेरी हंगर, नहीं नहीं नहीं, वाओ वाओ, किधर बच के जाएगा नल्ले? तुझे पता भी है तू किससे लड़ रहा है इस वक्त? ड्रीम बॉय से। आजा आजा, आज तुझे मैं ही बताता हूँ कहाँ भाग गया ये। अरे ओ मेरे को पकड़ेगा बेटा, इसी की वजह से अब तू खा मेरी एक्स का झटका, ये ले इजी। अच्छा जी, हीरो बनेगा मेरे आगे, हैं हीरो बनेगा। अच्छा ओ माय गॉड, यहाँ से मैं अभी कूदने वाला था, लेजिट बताऊं मैं अभी कूदने वाला था, मेरे वाटर बकेट भी नहीं है यार। किधर जाएगा बेटे? पहले तो टॉर्च हटाऊंगा अपने पास, जहां तक जाएगा ड्रीम बॉय पीछे आएगा। ये बंदा ना आज लिटरली पछताने वाला है कि इसने मेरे से पंगा क्यों लिया, लेजिट बता रहा हूं ब्रो। किधर किधर किधर, ऊपर पिलर अप करेगा। अच्छा जी, इतना बड़ा हो गया तू, आजा तेरा पिलर अप बनाऊंगा अच्छे से। ये किधर की साइड गया बंदा? ओ माय गॉड ब्रो, ये बंदा पिल, रुक तेरी ऐसी तैसी, मेरे कोबल स्टोन्स, आजा। ये बंदा कितनी ऊपर चला गया है? अरे भाई साहब, मेरे पे वाटर बकेट नहीं है यार, नहीं तो अभी मैं वाटर बकेट से जाता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ब्रो, मेरे पे वाटर बकेट नहीं है। नहीं, ये बंदे पे कितने ब्लॉक्स हैं? वो तो अच्छा है मेरे पास कोबल स्टोन के स्टैक्स ही स्टैक्स पड़े हैं इस वक्त, तो इजीली इस बंदे का तो पीछा कर पाऊंगा मैं अभी। अरे भाई मेरा पूरा एक स्टैक ना खत्म होने को आया है, और ये बंदा अभी तक रुक नहीं रहा है। ये देखो, अरे ये ऊपर क्या है? ये ऊपर ये किसने बनाया है ब्रो? व्हाट इज दिस ब्रो? मेरा दूसरा स्टैक भी जाने वाला है, ये बंदा लेजिट नहीं रुक रहा है ब्रो। इस बंदे को तो बहुत जल्दी लगी हुई है ऊपर जाने की। मेरा एक और स्टैक गया, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैक पड़ा होगा ब्रो, मेरे पास एक ही स्टैक पड़ा है। मैं क्यों वेस्ट कर रहा था यार ये डबल पिलर अप करके। कितना ऊपर गया ये ब्रो, ये नहीं संभल रहा। अरे नीचे की धरती खत्म हो रही, कुछ दिख नहीं रहा, कितना ऊपर जाएगा? किधर है बेटे? ओ माय गॉड ब्रो, ये उधर की साइड खड़ा है। वेट वेट वेट, मेरे सारे ब्लॉक्स खत्म, अब एक सैंड बची है, और ये हाँ ओक प्लैंक्स रख सकता हूँ मैं, ये सैंड ही लगाता चलता हूँ ना। वेट वेट, पहुंच गया। आजा बेटे, ये मेरे जस्ट ऊपर हो सकता है। रुको अभी इसकी बैंड बजाता हूँ, रुको तुम। व्हाट, ये बंदा उधर कैसे इसने पक्का पॉल यूज करी होगी, ये पॉल यूज कर रहा ना इतनी देर से। आजा बेटे लेट्स गो, किधर जाएगा बेटे मुझसे बच के तू? तेरे व्हाट, अरे किससे क्या किया तूने? ओ माय गॉड ब्रो, इसने ऊपर लावा घेरा है, मेरे पे ब्लॉक्स, मेरे मैं उधर, एक सेकंड मैन, इसने मुझे ट्रैप में फंसाया है। आजा बेटे तेरा मैं ट्रैप बनाता हूँ अभी। बेटे ड्रीम बॉय को तू हल्के में ले रहा है क्या? ड्रीम बॉय को हल्के में लेगा क्या? ये नहीं, इसके पास पोल थी मैन ब्रो, इस बंदे के पास पोल थी, ये बच जाएगा। नहीं यार, इसने ये लीवर कनेक्ट करा हुआ था उस लावा के लिए। पर बेटे तुझे क्या लग रहा है, तू ड्रीम बॉय से बच जाएगा? ड्रीम बॉय के पास वाटर बकेट नहीं है, वो फिर भी बचेगा। तू देख अब कैसे, आजा ये रहा सामने बेटे, तू गया आज। क्या रे, मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाला अभी, इधर आना। क्या रे, क्या सुना रहा है? चोरी करता है ये बंदा, लेजिट अभी मेरे को मार नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा अभी भी पल, ये ले बेटा तू मेरे से क्या लड़ेगा, तेरे बस की नहीं है जीतना। व्हाट, अबे आना तू चोरी करेगा, किंग के आगे झुकेगा क्या फिर? तेरे बस की कुछ
आजा, तूने मेरे लिए ट्रैप बनाया और अभी तू मेरे साथ माफी मांग रहा है? तेरे बस की है क्या? ये ले, आज इस बंदे को ना मौत के घाट उतारूंगा मैं। याद होगा तुम्हें, एक बार वो बंदा उस बैंकर को हमने, मैंने और स्मार्टी भाई ने एक छोटी सी गलती के लिए जान से मारा था। तो ये तो चोरी कर रहा है और इसने मुझे मारने की कोशिश करी है। आजा, तेरा खेल बेटा खत्म, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब बेटे कितना ही बचने की कोशिश कर, कितना ही भाग दूर, तू नहीं बचेगा ड्रीम बॉय से। तूने आज ना भाई लेजिट इसने मेरे को मारने की कोशिश, एक बार इसके पास सुन ही लेता हूं मैं। इधर आ बेटे, तूने कैसे ये हिम्मत कैसे करी चोरी करने की? तेरे बस की कैसे है ये? है बेटे, ये बंदा लेजिट मेरे से लड़ना नहीं चाह रहा, एक बार इसकी बात मैं सुनता हूँ। ऊपर आ बेटा, तू ऊपर आ, सुन रहे है? सुन रहा है ये मेरी बात? इधर आ बेटे। अभी गाइस मैं इस बंदे से ना सारी बातचीत करके आता हूँ, जरा कहना क्या चाह रहा है बेटा मेरे को। तो गाइस अभी मैंने इससे सारी की सारी बातचीत कर ली है एंड तुम लोग को यकीन नहीं होगा इस बंदे ने मेरे को क्या बताया है। मैं ये जान के बहुत हैरान हूँ, मतलब सीरियसली इस बंदे ने मेरे को बताया कि ये चोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको एसजीओ भाई एंड फलाना जी ने भेजा चोरी करने के लिए। व्हाट द हेल मैन, मतलब फलाना जी और एसजीओ भाई ऐसी हरकत करेंगे मेरे को पता नहीं था। और उन्होंने पता है क्या कहा इसे? एसजीओ भाई और फलाना जी ने कहा कि अगर ड्रीम बॉय तुम्हें देख ले सब करते हुए तो उसे जान से मार देना। तो इसलिए ये ट्रैप वगैरह इसने मेरे लिए पहले से बना रखा था प्रिपेयर करके कि अगर मैं देख लेता हूं तो ये मेरे को जान से मार देगा। क्या रे, मुंडी लटका के क्या खड़ा है? कितने एमरल्ड दिए उन्होंने तुझे इस काम के लिए? ब्रो मेरे को यकीन अब हो चुका है। देखो पहले वो मेरे से बात करने के लिए आए थे बट वो उस टाइम बिल्कुल भी दोस्ती करने के मूड में नहीं थे। वो दोस्त तो थे हम पहले से पर उन्हें पता नहीं क्यों लड़ाई करनी है मेरे से, उन्हें दिक्कत है मेरे किंग बनने से। ब्रो मैं कोई बुरा किंग नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सबकी भलाई चाहता हूँ। इवन मैं एसजीओ भाई को भी कह रहा था मेरे किंगडम में रहो, मेरे साथ जॉब देंगे, सब कुछ मजे में। पर नहीं, फलाना जी को भी पता नहीं क्या पड़ी है कि उन्होंने ये दरिंदा भेजा मुझे मारने के लिए और मेरा खजाना चोरी करने के लिए। अभी तू बेटे इधर आ, ऊपर आ, इधर आ, जल्दी ये सारा माल मेरे को, जितना भी माल है तेरे पास सब कुछ मुझे दे, ले सारा माल जल्दी, ये पूरा आर्मर उतार के दे मेरे को जल्दी, फास्ट फास्ट, हाँ जल्दी, जितना तेरे पे माल है ना वो सारा मेरे को उल्टा कर जल्दी। भाई ये कितना दरिंदा बंदा है, कितनी सारी चीजें थी इसके पास। नो वेज मैन, अभी कुछ नहीं है तेरे पास? ये अभी भी है कुछ? अरे अरे ओ, सारा माल दे चुपचाप निकाल के, अब तो है कुछ या नहीं है? जल्दी चल मेरे पीछे, मेरे पीछे आ जल्दी, अगर तू कहीं से हिला ना, नहीं तू आगे चल, चुपचाप सीधा चल, मैं तेरे पीछे हूँ, चुपचाप चल। गाइस अभी मैं इस बंदे को ना अपने किंगडम में लेके जाने वाला हूँ और तुम लोग देखना मैं इस बंदे के साथ अभी क्या करूंगा। आखिर ये बंदे ने हाँ कैसे करा उन लोगों को, एसजीओ भाई और फलाना जी को, मेरे किंगडम में चोरी करने के लिए और मेरे को जान से मारने के लिए? मतलब एसजीओ भाई इतने बड़े दरिंदे हो गए हैं अब, उन्हें पता है कि मरने के बाद डार्क हिमलैंड चले गए थे वो एंड फिर भी वो मुझे मार रहे हैं। हमने उन्हें बचाया वहां पे आके, मैंने और स्मार्टी भाई ने, वो ये हरकत कर रहे हैं मेरे साथ आज। बेटा चुपचाप चल, बेटा चुपचाप चल, नहीं तो अभी एक एक्स का पटका पड़ाना मरेगा, बता देंगे तेरे एसजीओ भाई और फलाना जी को भी। चुपचाप चल, इसके अंदर चल, इसके अंदर जल्दी जल्दी, इसके अंदर घुस, इसके अंदर चल 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 चल। अभी गाइस देखो इसके साथ क्या होने वाला है, चल बेटा अंदर चुपचाप चल 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 चल, चुपचाप निकल, हाँ गेट बंद किया ना, बहुत बढ़िया, चुपचाप चुपचाप चल चल चल, बस यहीं रुक, यहीं रुक, इधर ही रुक, इधर ही रुक, यहीं पे इधर गेट के आगे खड़ा हो, चल जल्दी इधर, जैसे ही गेट खुले ना तेरे को अंदर जाने का है, ठीक है? ले चुपचाप अंदर पहुंच, वो अबे ओए, अरे ओ इस गेट में नहीं, उस गेट में जा, चल जल्दी। ये ज्यादा शाना बन रहा है ना, अभी इसकी बैंड बजाते हैं। ये देखो गाइस, ये है सेल टू, अगर मैं इसका गेट खोलता हूँ तो वहां का गेट खुल जाएगा। ये बेसिकली प्रिजन है, इस प्रिजन के अंदर इसे बंद करते हैं। ये लिया और फटाफट से यहां का लीवर भी मैं हटा देता हूं। अब ये बंदा चुपचाप से अंदर बंद है और बेटा बैठा रहे तू अपनी जेल के अंदर, वो रहा तेरा बेड और इसके अंदर मौज काट। अब उम्र कैद हो चुकी है तेरे को, तेरे को खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, तू बैठा रहे। और आएगा किंग के यहाँ चोरी करने, यही होगा भाई जो किंग के यहाँ पे चोरी करेगा। अभी इधर कोई नहीं आने वाला, चुपचाप से बंद करते हैं और निकलते हैं गाइस यहाँ से। गाइस मेरे को लेजिट बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था पहली बार जब उसने कहा कि मैं एसजीओ भाई और फलाना जी के कहने पे आया हूं, उसने ये सब चोरियां करी है हमारे इस किंगडम में। मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगा यार, मतलब वो लोग इस हद तक गिर जाएंगे, उन्होंने मारने के लिए बंदा भेजा, चोरियां करवाई, व्हाट? अभी वो सारा माल मेरे को अपने किंगडम में वापस भी लाना है। ये भाई बहुत गंदा लफड़ा है, अभी एसजीओ भाई और फलाना जी पता लग गया मेरे को तुम्हारी असलियत, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि असली किंग क्या चीज होती है। मतलब तुम लोग मेरे को मारोगे अब, ड्रीम बॉय को, मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पर उन्हें ही लड़ना है ना अब, अभी मैं नहीं छोड़ने वाला। अभी देखते हैं हिमलैंड्स में आगे क्या क्या होता है।